गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दीदी प्रणाम। जी बोलिए। हेलो हाँ जी जी। बोलिए। जी मैं रामदास गढ़ेकर मुलताई बैतूल मध्य प्रदेश से, क्योंकि मैं न्यू डाइट सिस्टम के बारे में सुना था, उससे जुड़ा नहीं हूं अभी, लेकिन एक ऐसा हेल्थ इश्यू मेरे सामने आया कि मुझे मेरे कुछ पारिवारिक सदस्य इससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे कैंसर जो है आमाशय और छोटी आंत के ज्वाइंट में पॉजिटिव निकला। फिर उसकी सर्जरी हुई है अभी 20 दिन पहले। अब वो कीमोथेरेपी का वो बोल रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ के बिना कीमोथेरेपी और उस साइड इफेक्ट से बचे हुए मैं शेष जीवन मेरा गुजार सकता हूँ। ये प्रश्न है दीदी मेरा। देखिए, ये जो हमारा न्यू डाइट सिस्टम है, पहले आप इसको समझना है। ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। अगर जी हम इसको समझ के करते हैं तो अपने आप जो भी बीमारी है, बीमारी तो सही हो जाती है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, प्रभु प्राप्ति, उस तरफ हम आगे जाते हैं। लेकिन हम जी समझ के नहीं करते हैं, हम हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं। हम खाली चाहते हैं कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। जी एक्चुअली हमको तकलीफ क्यों आया, ये दुख दर्द क्यों आई, तकलीफ क्यों आया, ये हम कभी अपने आप को सवाल नहीं करते हैं। कोई भी इंसान, आपका बात नहीं बोल रही हूं मैं, जी कोई भी इंसान, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई मतलब दुखी नहीं है। किसी ना किसी के रूप में दुख दर्द तो सभी को है, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे मतलब अपना पारिवारिक रूप से, किसी भी रूप से वो दुखी है। तो ये तकलीफ, ये दुख, ये दर्दे हमको क्यों आया है, हम कभी अपने आप पे सवाल नहीं करे हैं। जी ऐसे देखने से दुख किसको आती है ज्यादा, जो किसी को जाने अनजाने में भी दुख पहुंचाया है, किसी भी प्राणी को, खाली मानव को नहीं, किसी भी प्राणी को जाने अनजाने में हम दुख को, दर्दे पहुंचाए हैं, गलत करे हैं, इसके कारण हमको तकलीफ आई है, दुख आई है, दर्दे आई है, बीमारी आई है। वो तो क्या है जिसके कारण हमको आया सब? ना अपने आप को सवाल करिए, किसी को आपने शोषण किए हैं, किसी का आपने गलत उपयोग करे हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे सब। आप भी बोल सकते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, अब तो आप नहीं खाए हैं। बहुत सवाल, बहुत लोग जवाब देते हैं मुझे, मैं पूछती हूँ कि हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम तो मांसाहार नहीं कर रहे हैं, हमने तो सादा भोजन करते हैं, अब फिर भी हमको दुख दर्द इतनी क्यों आई ना? एक पार्ट हम भूल जाते हैं कि हम किसी एक को शोषण करके, किसी को टॉर्चर, जी जी माता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। जी मेरी बात दो लाइन में रखना चाह रहा था दीदी, जी, आपके अनुमति हो समय अब सभी पार्टिसिपेंट का जाएगा। हाँ जी बोल। मेरी जो जीवन शैली रही है, तो मैंने पिछले 20-25 सालों में 18 घंटे दिन में काम किया है, जिसमें 6 घंटे समाज को दिए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार का टीम लीडर हूं मैं, जिला स्तर का। तो मैंने समाज को अत्यधिक समय दिया है। मेरे रोग का कारण ये रहा है, अपने शरीर की परवाह नहीं की। चाय तो पीता नहीं हूं मैं, नॉनवेज तो खैर सोच भी नहीं सकते।
मैंने मेरे शरीर से समाज के लिए ज्यादा कार्य किया है, जो मेरी शायद भूल और गलती रही, बस इतना ही कहना था मुझे। आगे मुझे अभी मार्गदर्शन मिले माता जी का, आप लोगों का ये निवेदन है। अभी अभी आप भी अपने अपने अंदर को नहीं पूछे, आपने जी नहीं, लेकिन आपने खुद दुख से अपनी चीजें तो ली है, खाए जी हैं, खुद पिए जी हैं, वही खाए हैं, जी थोड़ा तो क्या है? सिग्नल्स चाहे आप समाज सेवा कितने भी करें, वो समाज सेवा का कुछ इतनी वैल्यू नहीं है, जो हम दूसरे प्राणी को हमने अहित करे हैं, नुकसान पहुंचाए हैं। आप एक बार अपने खुद गाय बन जाइए और गाय की जगह में अपने अपने आप को रखिए। हम जी गाय और बकरे जो भी जिसका भी दूध लिए हैं, हमने क्या सही किए हैं? नहीं, वो तो गलती आप है। समझ के करेंगे, तब जाके आप इस चीज को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, तभी मैं बता रही हूँ। जी क्योंकि हमने गलत तरीके से वो गाय भैंस को गलत तरीके से हम प्रेग्नेंट करते हैं। वो बच्चे किस लिए प्रेग्नेंट होता है? एक माँ किस लिए प्रेग्नेंट होता है? अपनी बच्चा बच्चा होता है, पहले कैसे दूध आती है? पहले वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद दूध आता है। तो वो जो प्रेग्नेंट हुए, दूध आया, किसके लिए वो प्रेग्नेंट हुए? आपका पत्नी किसके लिए प्रेग्नेंट हुआ? आपकी माता किसके लिए प्रेग्नेंट हुई? आपकी बहन किसके लिए प्रेग्नेंट हुआ? ना अपने जी बच्चे के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए, कि जी हमको मतलब। तो गाय भैंस जो भी प्रेग्नेंट हुए हैं, जो भी बच्चा करा, वो किसके लिए करे? जी किसके लिए दूध दिए उन्होंने? अपने बच्चे के लिए। लेकिन हम क्या जी करें? जी 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 बात तो हमने समझे उनका हक मेरे, छीना है, बछड़े का हक बात छीना है। हाँ, दूसरे का हक छीने हैं। जी जो जी शहद खाए, जी हाँ शहद जी हाँ लिया, पढ़ाया शहद तो इसके गया जी आयुर्वेद के में, ये में है, पढ़ाया गया, सिखाया गया। तो शहद क्या हम सही तरीके से ली, मतलब वो हमारा आहार है कि वो दूसरा का हक नहीं छीन नहीं के लिए? उस पर हमारा अधिकार नहीं है वैसे। अधिकार नहीं है ना? तो जी जी एक जी तरह का जी हिंसा हुआ ना, क्रुएलिटी हुई, हिंसा हुआ। जी जी जैसे मांग करना है, क्या है? पाप। ऐसे अभी आपको समझ में आ गया, ये दूध लेना, शहद लेना भी पाप है? एक जी हम जी उनका हंड्रेड हक छीन परसेंट रहे हैं, 100% पाप है। तो इसका प्रायश्चित करिए। और आज से आप शपथ करिए कि जी जी मैं ना अपने घर में लाऊंगा, ना किसी हमारा परिवार में मेरा पैसा दूंगा कि मेरे पैसे से ये दूध आए और ये खर्च हो और मेरे जी बच्चे पले। ये मैं नहीं लेता हूँ, कोई बात नहीं, दूसरे ले। ऐसा जी नहीं हुई। ये भी आपका, जी सभी को, आपके परिवार को, आपको समझाना आपका फर्ज है। वो माने ना माने, आपको समझाना पड़ेगा जी ये चीज जी कि हम हर साल उसको प्रेग्नेंट करते हैं आर्टिफिशियली, जी जी वो भी मतलब बिना परमिशन से उसको प्रेग्नेंट करते, बिना परमिशन से दूध लेते। बेजुबान है, वो बोल जी नहीं पाते हैं, और उनका जी आत्मा जी रोती है और बददुआ देती है। उसका कारण से हमको दुख दर्द तकलीफ है। जी जी हाँ, तो इस चीज को समझिए और जी आप उसका प्रायश्चित करिए, और अपना जी पैसे से भी आप दूध, घी हम हवन करते हैं, वो घी यूज करते हैं, सोचते हैं कि ये हम बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं। आप बुरा नहीं मानना, मैं किसी ये को जी नहीं बोल रही हूँ, अपने को समझना है ये बात को। तो जी इससे क्या खुश हो जाएंगे प्रभु? जो घी हमने एक गाय का दूध से उसको फिर प्रोसेस करके उबाल के मलाई रख के घी बनाए, और घी को प्रयोग करे हवन में या घी को प्रयोग जी करे खाने में, तो वो कैसे हम स्वस्थ हो पाएंगे? हाँ जी जी जी, इसका ये हमको समझ के हमारे घर में भी नहीं लाना है ये चीज ना। अपने हाथों से आपने किसको दीजिए पैसे? पैसा का, आपका पैसा भी इसी चीज में उपयोग नहीं होना चाहिए। इसे इस तरीके से आज से संकल्प कर लीजिए कि जी तब देखना
का हीलिंग अपने आप शुरू होगा। पहला स्टेप हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का ये है कि जो भी इसमें कदम रखेंगे उससे पहले पहला यही संकल्प करें, शपथ ले, जिनको भी मानते हैं, गायत्री को माँ को मानते हैं, गायत्री माँ का जिन्हीं को भी हम मानते हैं, एक शपथ कसम है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, क्रुएलिटी नहीं करेंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। जैसे बेमतलब से मच्छर मारते हैं, बेमतलब से मतलब मक्खियां को दवाई डाल दे देते हैं, चूहे को भी मारते हैं दवाइयां दे दे के, हम नहीं सोचते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। स्वतंत्र जीवन जीना हरेक प्राणी का मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाधीन जीवन जीने के लिए ईश्वर ने इसीलिए तो सबको हमको भेजे हैं। लेकिन हम स्वाधीन जीवन किसी को जीने नहीं दे रहे हैं, इंसान नहीं दे रहा है खाली, बाकी सभी प्राणी सभी को स्वाधीन जीवन जीने किसी का हक नहीं छीन रहे। तो आप आज कि कभी भी ना खाएंगे ना पिएंगे ना ले, उसके बाद ये पहला कदम है, इसको पहला संकल्प करिए। कहीं पे भी शादी ब्याह कहीं पे भी पार्टी, हम बोलते हैं हम तो विगन है हम नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं थोड़ा कुछ ना कुछ खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, नहीं तो केक ले लेते हैं, नहीं तो मतलब कोई नहीं एक दिन कोई बात नहीं है थोड़ा ले लेते हैं खीर ऐसे, और हम स्वार्थ के लिए छोड़ते हैं, समझ के नहीं छोड़ते हैं, अपना शारीरिक रोग दूर का बोल के हम छोड़ते हैं, बीमारी दूर होगा बोल के हम छोड़ते हैं, त्याग करते हैं। जी। तो यह हमारा स्वार्थ है कि हम ठीक हो जाए तभी छोड़ रहे हैं, समझ के नहीं छोड़ रहे कि हम हिंसा कर रहे हैं, क्रुएलिटी कर रहे हैं, तभी त्याग कर रहे हैं बोल के। जी। तो जब समझ के करेंगे तो आपका प्रभु अपने आप साथ देंगे, नियति साथ देगा, यूनिवर्स साथ देगा। तो फास्ट स्टेप ये करिए, दूसरा हमारा है आग में पका वाला भोजन को त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, जो भी कुक फूड खा रहे हैं आग में पका के सड़ा के जीवंत फूड बना के डेड बना के खा रहे हैं उसका त्याग करना पड़ेगा। आग लाइफ है, लाइफ फूड लेना है, हमारे अज्ञानता हो गई है, दूसरे जंतु अपनी आवाज सुनते हैं, उन्होंने दूसरे के आहार को आंख उठा के भी नहीं देखते, लेकिन इंसान दूसरे के आहार छोड़ता नहीं है, अनाज भी पंछी का आहार है, वो हमारा आहार नहीं है जी। ऐसे बाकी चीज भी बहुत लोग का आहार नहीं है हम ले रहे हैं, उसका त्याग करिए और प्रकृति उसी रूप में बिना प्रोसेस करके ग्रहण करिए। नमक भी अगर हमारा आहार नहीं है सॉल्ट भी त्याग कर दीजिए, सॉल्ट इज ऑल्सो पॉइजन, चाहे सिंधा नमक हो, काला नमक हो, सफेद नमक हो, आपको अगर हीलिंग चाहिए, स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप नमक का भी त्याग कर दीजिए। और फिर उठते ही संजीव क्रिया एनिमा करने, वो सुरेश बेटा आपको बता देंगे, सवेरे आप फोन करना उनको वीडियो भेज देंगे, आप एनिमा करिए। बाकी आपको आग ना खाना करना जी 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 रामदास जी, आप कल जी सुरेश जी कांटेक्ट कर लेना, आपके पास उनका नंबर होगा। अच्छा जी, मैं ले लूंगा, मैं आपके आज ही जुड़ा हूँ ग्रुप से। जी 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 सुरेश जी बेटे, मैं जी अभी स्क्रीन पे भेज देती हूँ नंबर। जी 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 हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, और कोई साथ? हाँ जी कविता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ किया। हाँ मुझे, मैं अभी, हाँ जी बोलिए सरिता जी। हाँ जी वो अनम्यूट हो गई। हाँ जी कविता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ किया है मैडम। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। मैं दशरथ को,
हाँ, मैं दशहरे के बाद से मैं पूरी क्या बोलते रॉ फूड पे आ गई हूँ। मैं जूस लेती हूँ शाम को, थोड़ा फ्रूट और रात को भी फ्रूट खाती हूँ। 3-4 बजे ही मैं जूस लेती हूँ, तो मुझे मेरा जो आर्थराइटिस है थोड़ा सा, कंधों में ज्यादा सुबह उठो तो पूरी अकड़न चलती थी, चलना भी मेरे से बहुत होता था, कमर में भी थोड़ी अकड़न और साइटिका भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो सब अभी रॉ फूड पे आने से सब हीलिंग होने लगा। और मैं माता जी को सौ सौ धन्यवाद करूंगी, उनके चरणों में 100 बार चरण स्पर्श बोलूंगी, और सूरज भाई के भी और गुरु जी के भी 100 100 बार उनको नमन करूंगी, क्योंकि उनके ही वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। माता जी ने बोला मुझे नमक मत खाइए, और नमक मैंने छोड़ दिया, दूध दूध और दूध की चीजें भी एकदम बंद कर दी, और पूरे मैं रॉ डाइट पे आ गई हूँ। तो मेरा थोड़ा लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है वैसे, तो ये हाथ और पैर मेरे बहुत थोड़े वेरिकोस का प्रॉब्लम, और साइटिका की वजह से मेरी जो कमर से जो वेंस आती है पैर तक के, तो वो उसमें क्या हुआ मैंने चेक किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बताया, फिर भी मेरे पैर जो है ना थोड़े ठंड रहते एकदम, पैर एकदम ठंड हो जाते हैं रात को ठंडी में, और थोड़े से कांपने ऐसे होता है और फिर दर्द आता है। मैं उसको ठंडी में थोड़ा कवर अप करके सॉक्स ये करके थोड़ा हीटर में थोड़ा सा लगा के मैं करती हूँ तो वो कवर होता है और सेक भी लेती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि काफी आराम आ गया है, लेकिन अभी तो पूरा तो नहीं आया, लेकिन कब तक आएगा ये तो मुझे नहीं पता। ये सब वो सूरज जी आपका सोबार नमन, मैं आप लोगों की वजह से ये सब कर पा रही हूँ, और माता जी ने मुझे बोला है कि आप नमक मत खाइए, दूध दूध की चीजें मत खाइए, वो सब मैंने छोड़ दिया, वो दूध की पूरे वो चप्पल जो भी है वो लेदर है वो सब मैं पहले से मेरे घर में है, वेज नॉन वेज तो वो होता ही नहीं है, सिर्फ एक बार दूध की चाय पीते थे, वो भी आधे से आधा, इतनी सी मैं पीती थी चाय, तो मेरे घर में वैसे भी बहुत कम, ऑफिस में काम करती थी तो थोड़ा वहां भी मैं काली चाय शुरू कर दी थी पीना, तो दिन भर बैठना था तो वो थोड़ा सा चाय लेते थे, फिर बाद में अभी तो वो भी सब बंद कर दिए मैंने। मैं कप में इतना सा आधा कप पानी लेती हूँ, इसमें इतनी सी चाय पत्ती डाल के इतना सा गुड़ डाल के, ठंडी है तो थोड़ा सा शरीर में गर्माहट आती है, उतना सा चाय, तो क्या मैं वो चाय ले सकती हूँ उतना सा चाय की नहीं, पत्ती है उसमें अदरक बिल्कुल नहीं, डालती हूँ इतना, वो बिल्कुल नहीं भी लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। ना, जो भी जूस आप तो मुझे लेते हैं, काफी सुनो हीलिंग मेरी बात, मिलता। हाँ जो भी जूस आप लेते हैं उसको पहले पानी गर्म कीजिए, उस गर्म पानी में जूस के बर्तन को रखिए और उस जूस को गुनगुना हाँ करके वही जूस लीजिए। नहीं जूस तो वैसा ही पीती हूँ मैं, गर्म नहीं करती, सिर्फ मैं ना थोड़ा गर्म होना करते आधा कप पानी है उसको उबालती, उसमें अदरक डालती, इतनी सी पत्ती और इतना से गुड़ डालती, और वो गर्म गर्म थोड़ा सा पाव। वो चाय पत्ती जो आप बोलते हैं ना डालूंगी, वो चाय हाँ पत्ती इसलिए देखिए पहले वो कलर, चाय उसमें चाय पत्ती में कलर कहाँ से आया ये सर्च कीजिए पहले, आपको पता चलेगा उसमें कौन सा हाँ कलर है उस कैफेन चाय में। होता है उसमें, हाँ हाँ तो फिर उसमें कैफेन होता है, हाँ वो भी जो कैफेन मुझे पता जिस है कलर से उसमें, हमारे कपड़े कपड़े की रंगाई होती है वो कलर उस चाय पत्ती में डाला जाता है। हाँ, तो नहीं बताइए जो वही कपड़े, पूछना था मुझे। तो एक बार कपड़े को कलर कर दिया जाए, वो कलर छूटता नहीं है, तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा वो कलर, तो क्या करेगा वो बता। हाँ वो तो है, बराबर है आपका, वही मुझे तो वो ये चाय तो छोड़ दी, अभी ठंडी है तो उसी की वजह से मैं सोच रही थी कि ऐसा मैंने लेना शुरू कर दिया था इतना सा, वो लेकिन मन की, मेरे वो मन में मन वो की अटक भ्रांति रही है थी। हमारी, वो हाँ थोड़ा सा मन का भी, वो वो है थोड़ा सा, उसको पके हुए हाँ भोजन से गर्म से मन उसको हटाइए। हमारा मन रहेगा कि ठंडा है, हम कहते रहेंगे ठंडा है ठंडा है, तो ठंडा ही होगा। हाँ जब हमें सोचना है कि ये वो चीज जूस हमें लेना है, वो ठंडा गर्म हमें नहीं हाँ देखना ठंडा है या गर्म है, बस हमें वो जूस पीना हाँ है बस।
हाँ यहां तक वही हम सीमित रहेंगे ठंडी तो दूसरों का हमें भी खाना गर्म भी करके लेना होगा, मेरी खाना नहीं भी करी। लेगा तो कुछ नहीं लगेगा, हाँ समझे ना। हाँ हो हाँ 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 तो मन ये में तो भाव ये बराबर है रखना आप बस। जी। हाँ हाँ ये तो बराबर है, लेकिन क्या मैं 4 बजे 5 बजे थोड़ा भूख लगती, शाम को 4 बजे 3 4 बजे तो मैं जूस लेती हूँ, लेकिन शाम को थोड़ा सा जैसे पपई वगैरह फ्रूट वो फ्रूट खा लेती, या संतरा है तो वो खा लेती, तो क्या वो सब खा सकते हैं? पपई तो हाँ थोड़ा ले जूसी सकते, नहीं है सर। हाँ ले सकते, वही ले सकते हैं, क्योंकि ले सकते हैं। पपई जूसी नहीं है, संतरा जूसी है, तो वो थोड़ा हीलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन घर में लाते हैं तो मैं खा लेती हूँ थोड़ी पपई, तो मुझे उसमें भी कोई नहीं, थोड़ा ले सा वो सकते लग हैं, रहा था। ले सकते पपीता घर में थोड़ी लाते मात्रा हैं में ले वो। सकते हैं। हाँ कोई ले हाँ सकते हैं, तो वही शाम को थोड़ा सा वही, क्योंकि मैं अभी यह महीने में पिछले हफ्ते मैंने 2 बार निर्जला किया, मतलब एक दिन के आड़ में किए, मैं एक साथ में दो दो दिन नहीं, क्योंकि पिछले बार मैंने 3 4 दिन करने की कोशिश की तो मैं पूरे हॉस्पिटल पहुंच गई, तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि ऐसा मैं देखो कितनी निर्जल। बार मैंने बोला है, मैंने हाँ बहुत बार बोला है कि निर्जला उपवास उतना ही करना है जहां तक हमारे शरीर की अक्षमता है, उसके हाँ आगे हाँ 1 मिनट भी हमारा निर्जला उपवास जाएगा तो हमारा शरीर में फायदे के बजाय नुकसान ही करेगा, ये ध्यान रखना। वही 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 भाई वही, ठीक तो मैं वही मुझे वही लग रहा था कि मैं करती हूँ अभी, मैंने सोचा है कल से कि मैं एक दिन निर्जला एक दिन जूस, एक दिन निर्जला एक दिन जूस, जितने भी दिन होता है मुझे, तो हाँ, मैं जितना ये आराम 15 दिन से फील कर थोड़ा पाए उतना करना। 15 दिन करके देखती हूँ, और जनवरी से तो ये आगे के 15 दिन मैं थोड़ी बिजी हूँ, तो मैं जनवरी टू मार्च तक तो मैं ऐसा ही रखने की कोशिश करूंगी, उसके बाद में मुझे वहां आना है आपके वहां, मतलब पूरा मुझे जड़ से मेरे आर्थराइटिस निकालना है, उसके लिए वहां आपकी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आना तो ये चाहूंगी। और हमारा नहीं, मैं आपका एक अपना बार, आश्रम है, हाँ ये आपका अभी अपना आश्रम है, तो हमारा कुछ नहीं, हम एज ए चौकीदार नहीं बैठे हैं यहाँ सिर्फ। नहीं आप है तो सब है, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमको आपको हम लाख लाख धन्यवाद दे ले ला, आपको लाख है ये कर रहे, क्योंकि आपकी जैसी सेवा तो हम नहीं कर सकते, आप जो जो भी कर रहे। और एक चीज पूछनी थी, मैं साथ में आऊंगी, एक गरीब लड़का है सर, उसको ब्लड हाँ कैंसर हो गया है, उसका क्या बोलते हैं उसके डैडी का वो है डेथ हो गया, माँ है, ये बच्चे घर चलाते थे, तो ये जो 19 20 साल का लड़का है, उसको अभी अभी हॉस्पिटल लेके गए थे वो ब्लड चढ़ाने के लिए, कुछ हम लोगों ने सबने उसके लिए कलेक्शन करके, तो क्या साथ में मैं टिकट भर के उसको ले आ सकती हूँ, उसको मैं गाइड करूंगी उसको कि तू रॉ फूड लेके भी आ लेके सकते हो, लेकिन अभी लेके। उसका शुरू करवाइए, जब तक उसका शुरू हाँ करवाइए वहीं शुरू पे तो मैं ना। करवाऊंगी उसको, हाँ, और उसको साथ में लाऊंगी मैं अपने। हाँ तो बिल्कुल मैं ले तो आइए, जैसे भी मैं बस या जूम में आती हूँ तो वैसे उसको भी बोलूंगी कि तू यहाँ ज्वाइन हो जा, तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं उसको बोलूंगी, बहुत गरीब लड़का है और उसके लिए थोड़ा सा सबका सहयोग चाहिए, तो मैं बोली बहुत अच्छा होगा। कोई नहीं, वो अभी थैंक यू आना जी चाहे इतना। यहाँ रह सके, ठंड ज्यादा है, सुनो मेरी बात, ठंड तो ज्यादा है हाँ पर रह सके तो अभी आना चाहे तो अभी भेज सकते हैं, लेकिन अभी रह हाँ नहीं तो पाएगा, वो, ठंड ज्यादा है। हाँ ठंड ज्यादा इसलिए तो मैं अप्रैल में आने की कोशिश करूंगी, अप्रैल का रिजल्ट तब ठंड कम हो जाती है, तो मैं अप्रैल में आऊंगी उसको लेके, उसको अभी मैं उसके गांव जाऊंगी, उसको सब समझा के बताऊंगी कि भाई कैसे निमा लेना है, क्या करना है, वो सब करना है, मतलब गांव जाना है उसके लिए। अभी तो मेरा फास्टिंग चलता है ना सर, तो मैं घर के बाहर नहीं जाती, फास्टिंग में घर के कोई नहीं, बाहर क्योंकि जाए तो मैं थोड़ा, तो उसको कोई नहीं, थोड़ा अभी अभी मोबाइल ना पे जिनके भी। और भी सात आठ इंतजार में हैं, है ना, हमारी बात हुई, अब जो भी हाँ और भी आपको कोई बचा हो बात करें तो फोन पे मुझे कर सकते हैं, जो भी पूछना चाहे फोन पे पूछ सकते हैं ना। हाँ फोन पे मैं पूछूंगी उसके लिए, जो भी मुझे आपसे मदद कोई नहीं, कोई नहीं, लेनी है मैं आपसे जब भी लूंगी। जरूरत समझो 24 आवर किसी टाइम कॉल करो, है ना। चल थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सर, इतना ही। नमस्ते जी, कविता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले आनंदी माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।
सुरेश भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी एनडीएस साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम कविता है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मुझे एनडीएस फॉलो करते हुए 6 महीने हो गए हैं, तो मैं अपना 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि मुझे कोलन कैंसर था जो कि फैलकर लीवर और कुछ लिम्फ नोड्स में भी जा चुका था। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराया था। एलोपैथी के अंदर डॉक्टर्स ने ये बोला था कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती और रेडिएशन नहीं हो सकती, तो केवल कीमो से हम आपकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे पहले 6 कीमो साइकिल्स दी गई। 6 साइकिल्स लेने के बाद मेरी जो बीमारी है वो 60% कम हो गई थी। इसके बाद फिर से 6 साइकिल कीमो और दी गई, फिर पेट सीटी कराया गया, तो उसके अंदर जो मेरी बीमारी थी वो स्टेबल हो गई थी, मतलब ना कम हुई ना बढ़ी थी। इसके बाद फिर 6 साइकिल और दी गई, फिर मतलब टोटल 18 साइकिल दी गई। 18 साइकिल के बाद फिर पेट सीटी कराया गया, तो पेट सीटी के अंदर आया कि आपकी जो बीमारी है वो 30% बढ़ गई है। मतलब कीमो लेते लेते मेरी बीमारी बढ़ने लग गई थी। तो उस टाइम कि मतलब एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट होते होते भी जब मेरी बीमारी बढ़ रही थी तो हम निराश हो गए थे। उस टाइम हमें एनडीएस के बारे में पता चला था और वो हमें सुरेश भैया से पता चला था। तो उसके बाद 3 जून से मैंने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया था और अब मुझे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में से 5 महीने मैं दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर में रही थी और अब 1 महीना मुझे घर आए हुए हो गया है। तो वहां 5 महीने रहते हुए मैंने बहुत तप किया था। 3 बार मैंने लंबे निर्जले किए थे, 2 बार 9-9 दिन के और 1 बार 11 दिन का कंटिन्यू निर्जला किया था। तो उन निर्जला से मुझे इतना फायदा हुआ कि मेरी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मेरा जो पेन था, जो सिम्टम्स थे बॉडी से, वो पूरी तरह चले गए थे और मैं बिल्कुल एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। 1 महीना मुझे घर आए हुए हो गया है। यहाँ भी मैं जो मार्गदर्शन सुरेश भैया और आनंदी माता जी मुझे बता रहे हैं, वही उनके मार्गदर्शन में मैं एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। अब मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी पूरी ईमानदारी निष्ठा से एनडीएस फॉलो करोगे तो कितनी भी क्रोनिक डिजीज आप लोगों को हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और स्वस्थ तो आप हो गए ही, साथ में आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, क्योंकि जो एनडीएस है वो केवल बीमारी ठीक करने का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो तप सेवा सुमेरन का मार्ग है। हमें तप तो करना ही है, हम तप करेंगे तो हमारी जो बीमारी है वो जरूर ठीक होगी, लेकिन साथ में हमें सेवा और सुमेरन पर भी ध्यान देना है। और सेवा, जैसे भी हम जिस भी तरीके से समर्थ हैं, जैसी सेवा हमसे बनती है हमें वैसी सेवा जरूर करनी चाहिए और सुमिरन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुमिरन करेंगे, हम परमात्मा को जिस भी रूप में मानते हैं उस रूप में उसको याद करते हुए हम अपना हर काम करेंगे तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। तो मैं आप जितने भी क्रोनिक पेशेंट हैं, जितने भी एनडीएस साधक हैं, उन सबको यही मतलब कहना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि आप भी तप कीजिए, सेवा सुमिरन को भी फॉलो कीजिए, तो आप भी जरूर स्वस्थ होंगे और अपना जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है उसमें भी आगे बढ़ोगे। तो ये मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है। अब मुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत शरीर में महसूस नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और अपने जो दिनचर्या के काम है वो भी सारे आसानी से कर रही हूँ। जब मैंने निर्जला किया, जब मैंने लंबे लंबे निर्जला किए थे, उस टाइम मेरा जो मिनिमम वेट है वो 38 kg तक गया था। अब उसके बाद, क्योंकि उस टाइम मैं पूर्ण रूप से रसार पर ही थी, अब मैंने थोड़ा सा सैलेड्स लेना शुरू कर दिया है एक टाइम, तो अब मेरा जो वेट है वो बढ़ने लग गया है। तो हमें वेट कम होने की चिंता नहीं करनी है। मेरा मिनिमम वेट 38 kg तक गया था और अब मेरा वेट 42, मतलब 41-42 के बीच में है। तो हमें वेट कम होने की चिंता नहीं करनी है, वेट हमारा अपने आप इसी डाइट पे बढ़ने लग जाएगा, लेकिन हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ एनडीएस को फॉलो करना है। तो जितने भी क्रोनिक पेशेंट हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आप एनडीएस को फॉलो कीजिए, आप जरूर स्वस्थ होंगे और प्रभु प्राप्ति के मार्ग में जरूर आगे बढ़ोगे। और हफ्ते में अभी निर्जला करते हो क्या बेटा, वो बताओ।
हाँ जी माता जी, पहले मैं वीक मतलब पहले मैं लंबे लंबे निर्जला करती थी, उसके बाद वीक में 3 दिन निर्जला मेरा शेड्यूल था कि वीक में 3 दिन निर्जला, 4 दिन मैं रसाहार पर रहती थी, और अभी भी मेरा वीक में 2 दिन निर्जला और 5 दिन रसाहार, ये शेड्यूल मेरा अभी भी चल रहा है। हर वीक 2 दिन मैं निर्जला कंटिन्यू निर्जला करती हूँ, 5 दिन रसाहार पे रहती हूँ। बहुत बढ़िया, एनिमा के बारे में दीदी बहुत बताइए, बढ़िया। इनको थोड़ा सा ऐसे ही एनिमा जो हमें भी कितना करना चाहिए। पहले एनिमा मैं 10 से 11 बार करती थी, पहले मतलब ये लगाओ आप 4 महीने तक मैंने एनिमा 9 से 10 बार किया है। पांचवे महीने में मैंने जो एनिमा है वो कम कर दिया था, उसको मैंने पहले 6 बार किया। पहले मैं मतलब तीनों टाइम कभी 3 बार कभी 4 बार करती थी, सुबह दोपहर और शाम को, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दो दो बार करना शुरू कर दिया था, और अब मैं केवल सुबह शाम एनिमा ले रही हूँ, 2 बार सुबह और 1 बार शाम को एनिमा ले रही हूँ। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बेटा, आपका अनुभव रही, काफी साधकों को प्रेरणा मिल जाएगी आपका अनुभव सुन के, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए ऐसे, और आप तो स्वस्थ हो ही गए हैं, आप सेवा में लग जाइए, ऐसे जहां भी मौका मिले है आके बताइए सभी को। एनिमल प्रोडक्ट नहीं, फर्स्ट कदम है उसको बताइए, अपने आप आपका हीलिंग है हो ही है। ठीक है हाँ जी बेटा, माता जी, हाँ थैंक जी यू माता बेटा। जी, हाँ जी माता जी, यह बस आपके मार्गदर्शन में आपका आशीर्वाद मिलता रहे और ऐसे ही एनडीएस फॉलो होता रहे। हाँ वो आपकी अपनी मेहनत है दीदी, जी, हमारा कुछ नहीं है, आपने मेहनत की तो उसका रिजल्ट आपको मिला है। मेहनत करना हमारा काम है भैया, मोटिवेट तो आप लोगों ने ही किया है, बस आपका ही है सब कुछ। हाँ हमारा कर्म है, हम करने में लगे हैं बस। जी हाँ? भैया, बस आपका टाइम आशीर्वाद बना। लगेगा तो सोची सोची बताएगी। आवाज नहीं आ रही माता जी। जी दीदी, माता जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जी जी रवि जी होंगे वो, एक बार रवि जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। नमस्कार सुरेश भाई। नमस्कार रवि जी, कैसे हैं? बस थोड़ा सा कोल्ड हो रखा था, दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा तंग कर रहा, और बाकी ठीक है, फर्स्ट क्लास। और जो मैं कल एक फंक्शन में गया था, और मैं शेयर करता हूँ कि मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, तो लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि आप रह कैसे रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि बगैर खाए भी रहा जा सकता, फंक्शन अटेंड किया जा सकता। और मैंने वहां पे जो भी खाया वो सिर्फ केले खाए, क्योंकि वो माता की चौकी थी तो केलों का प्रसाद था, मैं मेरे को तो केले दे दो बस, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब दिल भी नहीं करता वैसे कुछ भी, क्योंकि फल फ्रूट में ही इतनी वो अच्छा लगता है, और अपने आप को भी एक अच्छा लगता है कि हम देखो इतनी चीजें होते हुए भी हम नहीं खा पा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब मेरा दिल बदल गया। और दिल बदलने से क्या है, आपका शरीर भी बदल जाता है, तबीयत भी ठीक हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके अंदर है एक्सपीरियंस, और मेरे को तो 2.5 साल हो गए हैं और इसको फॉलो करते हुए, फरवरी 2022 से शुरू किया था, और टचवुड जो मेरी प्रॉब्लम्स थी मैं तो कहूँगा 80-90% ठीक हो गई। क्योंकि अगर मेरे को ब्रीदिंग के लिए इनहेलर लेना पड़ता था और मैं 2 बार आईसीयू में जाके रहा, और अब मेरे को लगता है कि दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, इनहेलर तो बिल्कुल ही छूट गया, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती। दैट इज द बेस्ट अब पार्ट तो ऑफ लोग इंडिया। आपको देखते हैं, अभी तो लोग हरिद्वार के लेंटर पे ऊपर खड़े थे, आपको लोगों ने देखा है, ग्रुप मेंबरों ने देखा है ना, अब तो आपका हाँ जी, काम हाँ जी, देखते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो देखो कितनी एनर्जी आ जाती है, वहां पे भी हमने कितनी एनर्जी से काम किया, और खाने में एनर्जी नहीं है ये तो मतलब कंफर्म हो ही गया कि हाँ जी, हाँ जी, खाने में हाँ जी, एनर्जी नहीं है। और मैं तो कविता का क्रांति दांत देख रहा आएगी हूँ, रवि जी, थोड़ा समय लगेगा ना, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, और हम क्रांति चेंज आएगी, होंगे समय तभी लगेगा। दुनिया चेंज होगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम चेंज होंगे तभी दुनिया चेंज होगी। और कविता बहुत अच्छी लग रही हो आप, एंड गॉड ब्लेस यू, बहुत मेहनत की इसमें कोई शक नहीं, हमने तो आपको देखा, और साधक जो भी थोड़े जिन जो थे, आपकी मेहनत उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और थैंक आपके हस्बैंड का यू। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी सपोर्ट आप उन्होंने की है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ
एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो कोई मतलब चांस ही नहीं है कि इंसान ठीक ना हो, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज हो। तो दोनों को बहुत बड़ा आशीर्वाद। और सुरेश भाई आपके तो क्या कहने हैं, माता जी और आपका तो जितना कह दें उतना कम है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं, और बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का कि हमारे को मौका दिया इस चीज के लिए और हमारी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखा दिया। कोशिश करेंगे औरों को भी जिंदगी को हम नया रास्ता दिखा सकें। मैं तो जहां भी जाता हाँ हूँ जी, अपना यही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सब स्वस्थ हो जाएं और ये जो बेकार की चीजें हम खा रहे थे इतने टाइम से ही बंद हो जाए। धन्यवाद सुरेश जी। नमस्कार। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना सवाल करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शशि है कि तो शशि 2 मिनट में बोल देगी। शशि है जी, माता जी थोड़ी देर पहले थी। हाँ जी, शशि जी अपने आप अनम्यूट कीजिए। मेरा प्रणाम। सुरेश भैया को मेरा प्रणाम सादर जी, प्रणाम और यहाँ बैठे सभी प्रणाम साधकों को जी, मेरा कोटि प्रणाम। मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। मतलब करीब 12 महीने मुझे हो गए हैं, 1 साल ही हो गया है। और मुझे जैसे कि पता ही है काफी लोगों को यहाँ पे जो बैठे हैं, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम, NDS करके ही। और जो मेरा रूटीन था वो मेरा जो आश्रम में था वही मेरा घर पे चल रहा है। मेरा तो मतलब फ्रूट्स डाइट और ये सब भी, अभी मैं फ्रूट खाना मैंने चालू कर दिया है घर पे आने के बाद थोड़ा थोड़ा, और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने किया था कि सुबह शाम मतलब अनीमा करना और पेट पे पट्टियाँ लगाना और निर्जला रखना। निर्जला भी मैंने काफी किया था। और इस बीच में ना लोगों को उभार भी काफी आते हैं, जैसे फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, तो उससे घबरा जाते हैं लोग। तो इसमें हमें घबराना नहीं है। अभी मैं बताती हूँ कल का अनुभव अपना। जैसे अभी रवि अंकल जी बता रहे थे कि हम शादी में गए थे, तो हमारे घर में ही शादी थी, मैं भी शादी में ही गई थी कल। वहां पे मतलब आप ना लोगों को ये बोल दो कि हम खाते ही नहीं है, तो आपको लोग आगे से कहेंगे ही नहीं कि आप कुछ खा लो। और मेरे पूरे रिलेटिव में पता है कि ये लड़की कुछ खाती ही नहीं है। तो मैं शादी में गई तो वहां पे मुझे किसी ने बोला ही नहीं कि कुछ खा लो। हाँ, फ्रूट्स थे, वो मेरी चॉइस थी, मैं खाना खाऊं कि मैं फ्रूट खाऊं। तो वहां पे मैंने फ्रूट ही चूज किए और मैंने वहां पे फल ही खाए। किसी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आप ये सब खा लो। मतलब हम बोलते हैं कि दूसरे लोग हमें प्रेशर करते हैं इसलिए हम खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे ऊपर है, जैसे हम कर रहे हैं अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। दूसरे को कोई बंदा हमें जबरदस्ती तो खिलाता नहीं है हमें। ये जैसे बहुत से लोग बोलते प्रेशर कर रहे हैं, घर वाले ये कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। करना आपको है, आपको मजबूत होना चाहिए तो आप एकदम कर पाते हैं आराम से, मैं तो ये कहूंगी। और अभी मुझे कल ही फोन आया था एक, तो वो कह रहे थे कि मैं NDS कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। तो मेरी उनकी वाइफ को शायद कैंसर था, आंतों का कैंसर, तो पूछ रहे थे कि ये क्या ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो वीडियो भी सुनते हैं देखते भी है,